जिले के सदर थाना इलाके के सनावड़ा ग्राम पंचायत की मंडो की ढाणी गांव में शुक्रवार देर शाम को एक 62 साल के बुजुर्ग की पानी के टांके में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टांके से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं शनिवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस को पानी भरने के दौरान पैर फिसल कर टांके में गिरने की रिपोर्ट दी। जिले के सदर थाना इलाके की ग्राम पंचायत सनावड़ा की मंडो की ढाणी में शुक्रवार देर शाम को एक 62 साल के बुजुर्ग की पानी के टांके में डूबने से मौत का मामला सामने आया। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टांके से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं शनिवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस को पानी भरने के दौरान पैर फिसल कर टांके में गिरने की रिपोर्ट दी। पुलिस के अनुसार सनावड़ा ग्राम पंचायत के मंडो की ढाणी गांव निवासी पूर्णमाराम उम्र 62 वर्ष पुत्र बैराराम शुक्रवार शाम को अपने खेत में बने टांके पर पशुओं को पानी पिला रहा था। इस दौरान बुजुर्ग का पैर टांके पर फिसल गया और वह टांके में गिर गया। टांके में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं कुछ देर तक बुजुर्ग के घर पर नहीं आने पर परिजनों ने इधर उधर ढूंढा तो बुजुर्ग का शव टांके में तैरता हुआ मिला। इसके बाद परिजनों ने आसपास के लोगों की मदद से बुजुर्ग पूर्णमाराम के शव को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय लाए, जहाँ चिकित्सक ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। मंडो की ढाणी सनावड़ा में पूर्णमाराम सनो बेराराम जाति जाट उम्र 62 साल निवासी मंडो की ढाणी सनावड़ा तो पशुओं को पानी पिला रहा था। उस समय टांके से पानी निकालते समय पैर फिसल गया और टांके में गिर गया। गिरने उसकी मौत हो गई। लाश को परिजनों के सहयोग से टांके से बाहर निकाल कर राजकीय अस्पताल लाया गया और जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मोर्चरी में रखी गई। मामले की सूचना पर पुलिस राजकीय अस्पताल पहुंची। पुलिस ने रात होने के कारण शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के मुताबिक परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद शनिवार को बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।